अभिषेक बच्चन अपकमिंग फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक को लेकर सुर्खियों में है। मूवी इस शुक्रवार को 22 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें एक्टर कैंसर पेशेंट बने हैं जिसे जीने के लिए बस 100 दिन मिले हैं। ये कहानी डायरेक्टर शूजित सरकार के रियल लाइफ फ्रेंड पर बेस्ड है। डायरेक्टर शूजित से अभिषेक ने फिल्म अपने किरदार को लेकर बात की। एक्टर ने कैंसर की शादी से समानता बताने पर रिएक्ट किया। अभिषेक कहते हैं, हम लॉस एंजल्स से बाहरी इलाके में थे, वहाँ हमने फिल्म का एक हिस्सा शूट किया था। शूजित ने कहा, ये बहुत खुशहाल शादी नहीं है लेकिन एक शादी है। मुझे लगा कैंसर के बारे में सोचने का ये अच्छा तरीका है। मैंने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? तब उन्होंने कहा, जब तक मौत हमें अलग नहीं कर देती। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया कि आप तब तक शादीशुदा हो जब तक मौत अलग ना कर दे। ऐसे किरदार को आप क्यों गहराई से नहीं जानना चाहोगे? शूजित ने बताया कि अभिषेक और वो बहुत मजाकिया हैं। आप सीरियस सिचुएशन को लाइट करते हो, कभी कभार ये डिफेंस के लिए भी काम करता है। जिंदगी जो है वो है, आपको जल्द यकीन हो जाता है, आप में इतनी क्षमता नहीं है कि इसे बदल सको, इसके साथ डील करना सीख जाते हो। अभिषेक ने बताया वो अपने किरदार द्वारा शेयर की गई फिलॉसफी से कनेक्ट हुए, जहां वो कहता है, भाई अभी यही हालात है, या तो मैं रोऊं या हंसते हंसते जीवन काटूं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।